हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे एक स्टाइलिश ड्रेस बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो कपड़ा लिया है मैंने वो 5 मीटर लिया है, और यहाँ पे मैं अपनी कुर्ती डिज़ाइन करूँगी। तो देखिए, 4 फोल्ड मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, और ये ओपन एरिया है मेरा। ये देखिए, 4 लेयर्स हो गई। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है फ्रंट से। यहाँ पर मेरा बंद पोर्शन है और दूसरी साइड मेरा ओपन एरिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, 6.5 इंच मैं अपना शोल्डर लूँगी, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले लें अपनी शर्ट की। और शोल्डर मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। 7 इंचेस के बाद हम अपनी कमर पे निशान लगाएंगे 16 इंचेस पे। ध्यान दे गाइस, मैं 16 इंचेस पे निशान लगा रही हूँ, और बस हमें कमर तक का ही यहाँ पे मेज़रमेंट चाहिए। इस निशान को हम एंड तक यहाँ पे सीधा कर देंगे, और इस निशान को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा कि इस निशान को हमें कट कैसे करना है। तो देखिए, पूरे निशान मैंने सीधे कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं अपनी फ़िटिंग लूँगी। 8.5 इंचेस मेरी फ़िटिंग है, और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम सिलाई का। नीचे से 14 इंचेस मेरी कमर है, तो 7 इंचेस पे हम निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। उसके बाद ये देखिए, सिलाई का मार्जिन मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 इंच निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान को हम दूसरी तरफ जहाँ पे मेरा ओपन एरिया है अपनी कुर्ती का, वहाँ तक हमें सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद हम देखिए, जो मेरी कुर्ती का यहाँ पे फ्रंट में सेंटर है, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंचेस पे निशान लगाऊंगी। एक ये निशान आप ज़रूर ध्यान से देख लें गाइस, कि मैंने ये निशान यहाँ पे कैसे लगाया है। और उसके बाद देखिए, फ्रंट आर्म होल की यहाँ पे शेप देंगे, और फिर बैक की शेप देंगे। और अब हम देखिए यहाँ पे इसको कट कैसे करते हैं। शोल्डर्स को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, और फिर हम सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक पोर्शन दोनों एक साथ कटिंग हो रहे हैं। आप इसकी कटिंग ध्यान से देखें, और इसको मैं देखिए 16 इंचेस तक यहाँ पे नीचे तक इसको कट करूँगी, और फिर ये जो 1/2 इंच ऊपर की तरफ लिया है, फिर मैं यहाँ पे ऐसे इसको कट करूँगी। फिर हम देखें, नीचे से इसको जहाँ तक मैंने 3.5 इंचेस लिया है, वहाँ तक इसको कट कर देंगे। तो ये मेरी कुर्ती यहाँ पर कटिंग हो गई। तो गाइज यहाँ पर देखिए, उसके बाद मैं फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर शेप दे दूँगी। और जो मैंने ये यहाँ पे कट दिया है, इस कट को हमें कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आर्म होल की शेप हो गई। उसके बाद देखिए, यहाँ से हमें कपड़ा उठाना है और यहाँ पे इसको मिला देना है। उसके बाद छोटे छोटे बल बना देने हैं, उतने बल बनाने हैं जितना कि मेरी ऊपर से चोली है। तो यहाँ पर देखिए, इसको बल डाल के मैं एडजस्ट कर दूँगी, और जो 1/2 इंच का मार्जिन हमें ऊपर और नीचे मैंने कट किया है, वो हमारा सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मेरी कुर्ती कटिंग हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो देखिए, आर्म होल की साइड से जो कपड़ा था वो मैंने लिया है, ये फ्रंट से ओपन है, तो मैं इसकी लंबाई मेरी 15 इंचेस है। अगर ज़्यादा लंबाई करना चाहते हैं तो आगे की तरफ फोल्ड लगाना पड़ेगा हमें। तो देखिए, आगे की तरफ मैंने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दिया है, क्योंकि स्लीव्स यहाँ पर मेरी, ये मेरी 4 लेयर्स हैं और ये सेंटर से कट हैं। कट करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे शेप दे दी है अपने आर्म होल की, और उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। नॉर्मल स्लीव्स की मैंने कटिंग की है यहाँ पे गाइस, और ये देखिए, इसको मैं नीचे से सीधा कर दूँगी। उसके बाद हम अपने यहाँ पे प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। तो प्लाज़ो मैंने फुल फ्लेयर यहाँ पे प्लाज़ो कटिंग करना है। तो देखिए, 4 लेयर्स है, जैसे कुर्ते की यहाँ पे लेयर्स मैंने कट की थी। तो मेज़रमेंट गाइस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.25 इंच मैं यहाँ पे अपनी इलास्टिक का मार्जिन छोड़ दूँगी। तो उसके बाद देखिए, हिप साइज़ मेरे 33 इंचेस है, उसमें 4 ऐड करेंगे, 37 में 4 करेंगे, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 12.3 इंच हमारे आसन की लंबाई आ जाएगी। तो स्क्रीन पे आप मेज़रमेंट ध्यान से देख लें। तो हम यहाँ पे देखिए, आसन का निशान लगा देंगे। उसके बाद हिप राउंड हमें कैसे लेना है, 33 + 4 = 37, 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 आएगा। तो देखिए, आसन मेरा 12 इंचेस पे हो गया, और जो यहाँ पे हिप राउंड आएगा मेरा, वो यहाँ पे आएगा 9.25 इंचेस। मेज़रमेंट को अच्छे से स्क्रीन पे दिखाया है मैंने, उसको ध्यान से देख लें। तो देखिए, 9.25 इंचेस ले सकते हैं, या 9.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस निशान को हम सीधा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 2 इंच आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे, और यहाँ पे हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो गाइज, इसमें देखिए, फुल फ्लेयर हमें कैसे करने हैं, उसकी कटिंग आप ज़रूर ध्यान से देख लें। तो ये जो मैंने ऊपर अपनी आसन की गोलाई दी है, वहाँ पे आप
इंची टेप को ऐसे रखेंगे और पूरा जो नीचे की तरफ कपड़ा है उसको ऐसे तिरछा इंची टेप रख के से निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं और साइड से हमें इसकी गुलाई कैसे करनी है वो अच्छे से देखने वाली बात है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी गुलाई करेंगे, अगर गुलाई नहीं करेंगे तो प्लाज़ो अच्छा नहीं बनेगा। सबसे पहले इसको हाफ़ फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने जो अपना प्लाज़ो लिया है वो नीचे से हाफ़ फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद सेंटर में निशान लगाया है और फिर इसको पूरे को हम यहाँ पे देखिए अच्छे से फोल्ड करें। ध्यान रहे कि ऊपर से कपड़ा इक्वली हो और जो फोल्ड किया है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे। तो देखिए ये कितना सारा कोना है यहाँ पे ऐसे निकल चुका है और इसको हम ऐसे ही कट कर देंगे। तो इससे क्या होगा गाइस, जो हम इसको फोल्ड करके कट करेंगे तो हमारा कॉर्नर नहीं निकलेगा और जो प्लाज़ो के घेर हैं वो बहुत अच्छे आएंगे और फुल फ्लेयर हमारा प्लाज़ो यहाँ पे बन जाएगा। तो प्लाज़ो की स्टिचिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ओनली मैं कुर्ते की स्टिचिंग करूंगी। तो देखिए हमें यहाँ पे बल कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम ये जो कट दिया था मैंने इसको मैं उठाऊँगी और यहाँ पर अटैच करूँगी और यहाँ पर पूरे बल बना दूँगी मैं। और बल बनाने के बाद बल उतने बनाने हैं जितनी मेरी चोली है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके पहले हम बल बनाएंगे दोनों तरफ। तो मैं बल बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो मेरे बल यहाँ पे बन चुके हैं और देखिए ये जो मैंने हाफ इंच का कपड़ा ओवरलैप किया था गाइस, तो देखिए यहाँ पे हम अपने कपड़े को यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये हाफ इंच मेरा सिलाई में मार्जिन ऐड हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ इंच इसको फोल्ड किया था, सॉरी कट किया था। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे दोनों तरफ बल डाल दिए हैं और दोनों तरफ यहाँ पे सिलाई लगा दी है और हाफ इंच का मार्जिन जो है वो इस सिलाई के अंदर चला गया है। तो अब हम इसके ऊपर एक पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी ये देखिए जो सिलाई यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो डिफरेंट कलर की मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 1.5 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने बल के अकॉर्डिंग ली है यहाँ पे। तो इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे अटैच कर देंगे। तो देखिए एक तरफ अटैच कर दी है, ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी अटैच कर दूंगी अपनी पट्टी को। और ऐसे ही जैसे मैंने फ्रंट पोर्शन अपना स्टिच किया है सेम ऐसे ही मैं अपना बैक पोर्शन भी स्टिच करूँगी। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पर अपना नेक बनाएंगे। राउंड नेक मैंने बनाया है तो 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने और 6.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो ऐसे करके सिलाई लगाएंगे और कट करने के बाद कपड़ा इसको सीधी उल्टी तरफ मैं फोल्ड कर दूंगी। तो नेक मेरा रेडी हो गया है। उसके बाद बैक नेक मैंने बना लिया है, बैक पोर्शन भी रेडी किया है और उसके बाद हम साइड से इसको फिटिंग देंगे। जितनी आपकी फिटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग इसको रेडी कर लें। तो देखिए मैंने फिटिंग लगा के अपनी कुर्ती को रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद मैं नीचे से इसको फोल्ड कर दूंगी। जो इसका किनार है उसको फोल्ड करेंगे और अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। और स्लीव अटैच करने के बाद गाइस प्लाज़ो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। तो देखिए कुर्ती रेडी हो गई है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें गाइस कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। एनी डाउट्स गाइस सो यू कमेंट मी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर दिखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करें। एंड थैंक्स।